एक और क्वेश्चन देखो उसी टाइप का है, अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, f of x plus y बराबर fx into fy, xy belongs to R, f dash 0 बराबर 1, fx not equal to 0, मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं है, कभी नहीं है, है ना, फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं है, fx is differentiable, फंक्शन differentiable भी है, तो हमें fx चाहिए, f of x plus y बराबर fx into fy। देखो सबसे पहले अगर हम मेथड 1 को लगाएं, देखो मेथड 1 क्या कहता है, कहता है कि dy dx बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h, है ना, माइनस fx और अपॉन h, ध्यान दो। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, dy by dx बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखो f of x plus h, ये क्या हो गया, ये हो गया fx into fh minus fx by h, है ना, f of x plus h क्या हो गया, fx into fh, देखो यहां से वैल्यू लिखी इसकी, देखो काम किया जाए, ये हो जाएगा h टेंडिंग टू 0, fx कॉमन ले लें तो fh minus 1 by h हो गया, ध्यान दो, है ना, fx को कॉमन ले लिया। देखो f dash 0 की वैल्यू 1 दी गई है, इसका यूज करना होगा। अब देखो एक काम किया जाए, जैसे हमें जो रिलेशन दिया गया है f of x plus y बराबर fx into fy, देखो रिलेशन दिया गया, इसमें हम क्या करें, x को 0 और y को 0 रख दें, क्या होगा, देखो f of 0 बराबर ये हो गया f0 into f0, है ना, देखो यानी f0 का स्क्वायर बराबर f0, एक तरफ ले आओ, f0 का स्क्वायर माइनस f0 बराबर 0, f0 कॉमन ले लिया तो f0 माइनस 1 बराबर 0। अब देखो हो सकता है f0 की वैल्यू 0 आए, या हो सकता है f0 की वैल्यू 1 आए। अब देखो ये कह रहा है कि फंक्शन 0 नहीं है, तो मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है, f0 की वैल्यू 1 है, है ना, तो देखो ये जो 1 यहां पर है ना, 1 की जगह पर हम f0, देखो इस fx को चाहे तो हम बाहर ले सकते हैं, क्योंकि देखो h टेंडिंग टू 0 है, तो h tending to 0 है, तो इसलिए fx को आप इस लिमिट के बाहर ले लें और f1 की जगह पर लिख दें f0 by h। देखो ये पूरा का पूरा टर्म मैंने क्या बताया, देखो अभी आपको ये हो गया 0 पर डिफरेंशिएशन, यानी ये हो गया fx into f dash 0, और ये किसकी वैल्यू है बोलो, ये वैल्यू है dy by dx की वैल्यू है, ध्यान दो, है ना, देखो ये पूरा टर्म हो गया f dash 0, f dash 0 की वैल्यू देखो क्या दी गई है, 1 दी गई, ध्यान दो, है ना, देखो यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि dy by dx, देखो f dash 0 की वैल्यू देखो 1 दी गई है, dy by dx बराबर क्या आ गया, fx के बराबर आ गया, है ना, dy by dx क्या आ गया बोलो, fx के बराबर आ गया, ध्यान। अब देखो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, dy by dx fx के बराबर आ गया, ठीक, अब देखो हमें क्या करना होगा, यहां से फंक्शन की वैल्यू चाहिए होगी, फंक्शन की वैल्यू, है ना, dy by dx देखो fx के बराबर आ गया, ठीक है, अब देखो यहां से हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी, लिखो जरा जल्दी फटाफट इसको, बताता हूं मैं आपको भी आगे, देखो एक्चुअली dy by dx का मतलब क्या हो गया, f dash x बराबर fx, ठीक, f dash x upon fx, देखो इसको ऐसे लिख लिया जाए, ये हो जाएगा 1, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो,
दोनों तरफ इंटीग्रेशन, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो गया dy by dx बराबर y, ऐसे लिख लो dy by, अब देखो थोड़ा सा यहां पर हम जो यूज कर रहे हैं एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होता है आगे चल के, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे चल के पढ़ते हैं। इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल कहते हैं, ध्यान दो, वेरिएबल सेपरेबल कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को। क्या होता है, dy के साथ में y के टर्म ले लेते हैं, देखो dy के साथ y को ले लिया, ds को अलग कर दिया, है ना, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग वेरिएबल सेपरेबल कहते हैं एक्चुअली। और थोड़ा मजबूरी में लगाना पड़ रहा है, क्या करें, क्वेश्चन ही ऐसा है, थोड़ा समझ लो आप ध्यान से। जैसे यहाँ पर dy by dx बराबर y है, है ना, तो y को ले आए dy के साथ में, ds को अलग कर दिया, ठीक। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, देखो 1 y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y बेस e, और यहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब 1, देखो ऐसे करके इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोलो x, और एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम कहेंगे c, ठीक। तो 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन log y, ये हो गया देखो इसका इंटीग्रेशन x plus c, ठीक। अब देखो यहां से y की वैल्यू हो जाएगी e की पावर x plus c, ठीक। अब देखो कांस्टेंट को निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे f0 बराबर 1, इसका मतलब क्या है कि x बराबर 0 पर y की वैल्यू 1 है। देखो x को 0 पुट कर दो, x को 0 रखा तो y आ गया 1, तो क्या हो जाएगा 1 बराबर e की पावर 0 प्लस c, तो e की पावर c कितना आ गया, बोलो 1 आ गया, ध्यान दो। अब देखो यहां से y को लिख सकते हैं क्या, y बराबर क्या आ गया, e की पावर x इंटू e की पावर c, और देखो e की पावर c की वैल्यू क्या आ गई 1, तो y बराबर क्या आ गया, बोलो e की पावर x, यानी देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। अब देखो अगर हम थोड़ा दिमाग लगाते स्टार्टिंग से ही, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, है ना, फाइनली देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। तो जैसे कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट दिया जाए तो हम इस टाइप का देखो थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। लिखो जरा बच्चों ध्यान से, देखो इसको लिखो पहले जरा बच्चों ध्यान से, देखो ऐसे क्या हो रहा है यहां पर, अगर हमें जो फंक्शन दिया गया उसको ध्यान से देखें, देखो फंक्शन ये दिया गया है f ऑफ x प्लस y बराबर fx इंटू fy, ऐसे दिया गया। देखो जरा आप ध्यान से सोचो, अगर हम fx को e की पावर x ले लें तो क्या होगा, देखो मतलब इसको देखते ही थोड़ा हम आइडिया लगाएं, फंक्शन को देखते ही थोड़ा हम आइडिया लगाएं। देखो कई बार है ना, कई सारे क्वेश्चन में है ना, फंक्शन को देखते ही आइडिया लगा लेते हैं कि फंक्शन ये होगा। देखो जैसे f ऑफ x प्लस y निकालेंगे तो क्या होगा, e की पावर x प्लस y, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर y, है ना। अब देखो e की पावर x का मतलब हो गया fx और e की पावर y का मतलब हो गया fy, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेना है। देखो f डैश 0 1 है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो वो e की पावर x ही रहेगा, पर f डैश 0 की वैल्यू e की पावर 0 मतलब देखो 1 हो जाएगी, ध्यान, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और देखो वही अपने आप ही आंसर भी निकला। तो कई बार ऐसी कंडीशन को देख करके हम फंक्शन को तुरंत निकाल देते हैं, जैसे f ऑफ x प्लस y बराबर fx इनटू fy, तो कई बार इन चीजों को देख करके हम तुरंत दिमाग लगाते हैं कि भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर भी वही आना चाहिए, ठीक। तो देखो जैसे इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अभी पहले मेथड से किया, अब इसको भी हम अगर अपने डिफरेंशिएशन वाले मेथड से करते, पार्शियल डिफरेंशिएशन से, तब भी ये आसानी से हो जाता, है ना। तो लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है जैसे इस टाइप के छोटे छोटे फंक्शन में हम देखते ही आइडिया लगा सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वही हमको लेना है। ऐसे कई बार एक दो बार आईटी ने इस टाइप के क्वेश्चन को यूज किया, तो वहां पर डायरेक्ट आइडिया लगा लिया बच्चों ने कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही हमको यहाँ पर चाहिए। लिखो जरा बच्चों ध्यान से जल्दी इसको पहले,